ए भाई, और इतनी सोचो, मतलब मेरी हार्ट बीट ना ये 200 के पार हो गई। मटेरियल सप्लाई होता है। अच्छा, मटेरियल सप्लाई होता जी है, तो ये नीचे जाता है सामान? हाँ, ये बिल्कुल नीचे अपना आखिरी फेस तक के जाता है। ओके ओके। तो कुछ खास अभी धन्नो यहाँ पे खड़ी है, जस्ट यहाँ पे देखिए, ये जो पूरा खान है कोयले का ना, जस्ट इधर से देखिए पूरा, आप देख पा रहे हैं। तो ये एक बोगी का टाइप बोगी दिख रहा है। तो भाई, वो कैसे हैं? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो एक नई सुबह के साथ एक नए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि कल मैं रुका था ना, वो नागपुर में और नागपुर सिटी में रुका था, और यहाँ पे एक गुरुद्वारा था, वहाँ पे रुका था और काफ़ी बढ़िया था। जस्ट यहाँ से देखिए एक फ्लाईओवर, मतलब पुल जाता है, और जिसे ये ट्रेन क्रॉसिंग है, और जस्ट उसके साइड में ये गुरुद्वारा है, कुछ काफ़ी बड़ा है। और खाने पीने की जो व्यवस्था है ना, वो गुरुद्वारे से हो गई थी, कोई खाना पीना बाहर से नहीं लेना पड़ा था। अभी जस्ट देखेंगे ना तो पूरा देखिए हावड़ा ब्रिज जैसा लग रहा है। तो जस्ट अभी जो है मेरे जी हैं यहाँ पे रहते हैं, तो जस्ट वहाँ पे चलता हूँ। यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि सिल्लेवाड़ा करके है। पहले खावरखेड़ा जाऊँगा, उसके बाद सिल्लेवाड़ा। तो कुछ जस्ट ये रूट से अभी जाना है, तो अभी निकलता हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है, तो आराम से निकल जाऊँगा। अभी नाश्ता वगैरह नहीं हुआ, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह खा लिया हूँ। तो गाइज, अभी जस्ट 1 से 2 किलोमीटर चलने के बाद ना, अभी दोनों को खड़ी कर दिए और भैया लोग मिले, और भैया लोग से थोड़ा बात करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ से जो दूरी है 18 किलोमीटर के आसपास है। भैया लोग से मिलने के बाद ना, अभी ये भैया आ गए हैं, और भैया का नाम क्या है, परिचय पूछते हैं। और भैया जस्ट बहुत खुश हुई आपसे, आपको देखते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है कि कोई रोकता है ना, तो ओके नहीं जी, अच्छा लगता है ना कि कोई बात करता है रुके। तो जस्ट मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी मिलता है, और लोगों से बात करने का, जिसलिए मैं भारत घूम रहा हूँ ना, वो चीज़ हो पाती है, क्योंकि मुझे भारत घूमने का उद्देश्य में रहे है कि सब लोग से मिल के जाऊँ, और तो अच्छा लगता है। तो ठीक है गाइस, अभी आगे चलते हैं, बने रहें ब्लॉग में। तो भाई, अब उनका भाई, मतलब भाई लोग चल रहा है इधर से, और अभी एक ब्रिज है, जस्ट उसको क्रॉस करते हैं, तो चल रहे हैं भाई। एकदम मस्त लग रहा है यार, मतलब ये नागपुर में एकदम जस्ट चल रहा हूँ, बीच का सीन है या लास्ट का समझ नहीं पा रहा बट फिर भी चल रहा हूँ, एकदम मस्त लग रहा है। और जस्ट आगे से नज़ारा दिखाऊँ ना, तो कुछ ऐसा, ये देखो भाई, चारों तरफ सिटी, ये पूरा दिख रहा है ना भाई, ऐसा कुछ। अभी ब्रिज के ऊपर चल रहा हूँ, एकदम बढ़िया लग रहा है। और सुबह पार ना ड्राइव करना एक बेहतरीन आनंद होता है। और भाई आगे से ना काफ़ी ज़्यादा ढाल आने वाली, ये देखिए। तो यार गाइस, जस्ट अभी वहाँ से निकला था, और एक भैया मिल गए, और भैया से थोड़ा बात करते हैं। भैया कहाँ से हैं? तो नाम क्या आपका? मोहम्मद नवीद। मोहम्मद नवीद, ओके। नागपुर में रहते हैं? ओके ओके। नागपुर में कुछ जॉब करते हैं या आप? ओके ओके ओके। तो भैया का बिजनेस है, और भैया नागपुर से ही है। तो जस्ट मैं इधर से जा रहा था, यहाँ से सिल्लेवाड़ा कितना होगा? अभी अबाउट 20 किलोमीटर के आसपास है। तो जस्ट भैया से अभी मिलके और फिर आगे चल रहा हूँ। तो ओके भैया। तो गाइस, वहाँ से ना 15 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया, और जस्ट इधर देखो पूरा फैक्ट्री वाला एरिया है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, और इधर पूरा कारखाना चल रहा है। थोड़ा प्रदूषण भी है इधर जस्ट, बाकी मध्य प्रदेश वगैरह जो छत्तीसगढ़ में करके आया हूँ, उससे ज़्यादा इधर थोड़ा प्रदूषण है। और कुछ ऐसा लग रहा है, जस्ट थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था, और रेस्ट का मतलब ये कि थोड़ा धूप तो नहीं है ज़्यादा, बट मैंने कहा थोड़ा सा आपको अपडेट करता हूँ। और तो ये कुछ नज़ारा है, और आगे चलता हूँ, अभी जस्ट इस साइड चलना है। ओके, तो भाई जस्ट इधर से जा रहा था, और देखो इधर सोलर जो प्लांट है, मतलब लगा है, और जस्ट इससे पूरी फैक्ट्री वगैरह चलती है, पूरा सोलर इधर एक तरफ से लगा हुआ है, और मतलब एकदम बढ़िया लग रहा है। और आज तो ज़्यादा ड्राइव नहीं करनी। तो गाइज, अभी यहाँ से 2 किलोमीटर है, और जस्ट कुछ देखने के लिए मिला, तो मैंने सोचा दिखा ही देते हैं। और तो है क्या भाई, देखो कुछ खास, अभी धन्नो यहाँ पे खड़ी है, जस्ट यहाँ पे देखिए ये जो पूरा खान है कोयले का ना, जस्ट इधर से देखिए पूरा, आप देख पा रहे हैं। तो ये एक बोगी का टाइप बोगी दिख रहा है, एक ये बोगी, इसके बाद फिर वहाँ वहाँ वहाँ
मतलब काफ़ी सारी बोगियाँ और यहाँ से लेके 5 किलोमीटर तक 10 किलोमीटर तक बनी रहती हैं, जिससे कि कोयला ऊपर से खान से लद के और फिर इससे ये वायर से जाता है। तो अभी जस्ट कुछ देखिए इधर, ये इस साइड में एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री की तरफ जाता है और अभी कुछ ये यहाँ पे रुकी हुई है। जैसे ही फैक्ट्री में कार चालू होगा तो एक तरफ से रिटर्न जाता है और एक तरफ से आता है, तो मतलब नीचे से जो है वो क्या नाम है पूरा लोड होके जाएगा और ऊपर से खाली होके जाएगा। तो कुछ ऐसा है भाई, एकदम बढ़िया दिख रहा है। हालांकि अभी काफ़ी टाइम है तो मैं यहाँ 2 दिन रुकूंगा कम से कम और उसके बाद फिर सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। तो ठीक है भाई, अभी चलते हैं ब्लॉग में बने। तो फाइनली गाइज अभी आ चुका हूँ यहाँ पे और यार जस्ट वीडियो शूट करने के लिए थोड़ा सा मतलब भूल गया था, उसका रीज़न ये था कि चाय वाय पीने लगा और बात बात होने लगी थी, इस रीज़न से भूल गया था। तो जस्ट अपने धनु को यहाँ पे खड़ी कर दिया, तो बैग पैक अभी पूरा तरह उसी तरह से पैक है और अभी सब लोग से मिलाते हैं और एकदम मस्त लगता है भाई। तो मतलब अभी आज फिर से घर वाली फीलिंग आ गई क्योंकि काफ़ी दिन से निकले हो गया। तो अभी फ़िलहाल आ चुका हूँ और ये देखिए मामा जी के लड़के हैं हमारे, अभी थोड़ा इनसे बात कराते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष, आप तो प्रॉपर यहीं रहते हैं ना? हाँ, यहीं रहते हैं। ओके, आपका नाम? अमन। अमन, ये भी मामा जी के छोटे लड़के हैं। जस्ट आप भैया एक बैठे हैं, आपका नाम क्या? सजाद खान। सजाद खान, ओके। तो अभी देखिए हमारी मामी जी हैं जस्ट वहाँ पे, वीडियो कॉल वगैरह कर रही हैं फ़ोन कर रहे हैं और तो काफ़ी बढ़िया लगा। अभी जस्ट अभी कहीं देखते हैं, अगर घूमने के लिए जाते हैं ना तो फिर वीडियो शूट करेंगे और फिलहाल तो अभी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो ठीक है, ब्लॉग में बने रहें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना मत भूलें। ओके, तो जस्ट गाइस अभी खाना वाना खा रहा हूँ और खाने में देखो रोटी है, चावल, सब्जी, कुछ आलू और बैंगन वगैरह की, पालक की है, तो काफ़ी बढ़िया है। तो अभी फिलहाल खाना ख़त्म करते हैं और उसके बाद कहीं घूमने चलना है तो फिर वो चलते हैं। तो ठीक है, जस्ट कुछ इधर सीन टीवी लगी है, टीवी देख रहा हूँ, जस्ट फाइन चल रहा है और फिर खाते हैं। ओके, तो हेयर गाइज अभी चल रहे थे जो कि मैं नागपुर अभी बस्ती में हूँ और जस्ट चल रहा था तो यहाँ पे देखेंगे ये एक कुछ खंभा बनाया गया, मतलब पिलर टाइप में बढ़िया से और काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इसके ऊपर देखिए वायर लगी हुई है, तो ये वायर किस काम में आती है मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा क्लोज चल के दिखाते हैं। और यहाँ पे कुछ आपको डब्बा जैसा लटकता हुआ देखने को मिल रहा है और ये डब्बा होता क्या है कि जहाँ से कोयले का मतलब कोयले को निकाला जाता है वहाँ से कोयले को इसके माध्यम से वहाँ से कंपनी तक पहुँचाया जाता है। तो कुछ इसमें जो 1 टन के आसपास कोयला आता है और जस्ट देखिए यहाँ पे वहाँ तक आप पूरा देखेंगे ना तो पूरे एक तरफ से टंगे हुए हैं, तो जस्ट वहाँ से कोयला सीधा से कंपनी जाता है और कंपनी से जो भी चीज़ चाहे वो लाइटिंग लाइट बन रही है या फिर अन्य जगहों पर भेजा जा रहा है तो वो सारा काम होता है। तो कुछ इस प्रकार से देखिए इसमें गर्राई वगैरह बनी है जो गर्राई के माध्यम से ये वहाँ से जाता है और जस्ट उधर से एक दूसरी वायर के सहारे आता है, तो एक तरफ से जाता है और एक तरफ से आता है, तो कुछ इस प्रकार से है और काफ़ी बढ़िया टेक्निक है। तो फिलहाल इसमें थोड़ा सा चोरियाँ भी होती थी मैंने ये बात सुनी है। तो दोस्तों जो देख रहे हैं ना एकदम उसको गिरा दिया जाता है तो जिससे कोयला नीचे गिर जाता था और नीचे गाड़ी है या किसी अन्य के माध्यम से नीचे कुछ घिसा कर कोयले को चोरी से उठा लिया जाता था, इसलिए अभी थोड़ा सा ये इसका काम बंद है और इसको अब पाइप के माध्यम से लिए जाया जाता है। तो जस्ट अभी चलते हैं जहाँ पे इसको मतलब माइनिंग खुदा जाता है, तो उस साइड में चल रहे हैं और काफ़ी बड़ा एरिया है और जिस पे मैं चल रहा हूँ ना जस्ट इसके पूरे नीचे का कोयला पूरा खाली कर दिया गया है और अभी जस्ट कुछ जगहों पे रेत भर दी गई है, बाकी जगह अभी उसी तरह खाली हैं। तो यहाँ मकान भी बना लोगे ना तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आगे 1-2 फ्लोर बनाओगे चलो ठीक है, बट उसके ऊपर अगर बनाते हैं अपना तो फिर यहाँ पर जो बम के सहारे क्या बोलते हैं उसको, बम बोलते हैं ना, उससे जब कोयले को मतलब फोड़ा जाता है ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा कंपन होता है जिसके वजह से ना घर फट जाते हैं, दीवारें फट जाती हैं। तो ये कुछ यहाँ का रहस्य है। तो अभी आगे चलते हैं तो ब्लॉग में बने रहें, दिखाते हैं भाइयों। जस्ट देखो अभी भैया दिखा रहे हैं यहाँ पे और भैया ये किस चीज़ का रास्ता है? ये यहाँ से मटेरियल सप्लाई होता है। अच्छा, मटेरियल सप्लाई होता है, तो ये नीचे जाता है? हाँ, ये बिल्कुल नीचे अपना आखिरी फेस तक के जाता है। ओके ओके ओके, थैंक यू भैया बताने के लिए। तो देखो भाई जस्ट कुछ इस प्रकार से है और यहाँ पे जो लाइन 2 लाइन बनी है और इससे जो है मटेरियल ले जाया जाता है यहाँ से और जस्ट अभी अंदर की परमिशन मिल चुकी है तो अंदर भी चलते हैं। तो ठीक है, ब्लॉग में बने रहो, आज का जो ब्लॉग है ना बहुत ही शानदार होने वाला है और काफ़ी बढ़िया जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, हाँ पता लगा। तो जस्ट गाइज अभी देखिए मेरे पास हेलमेट वगैरह लग रहा है सेफ्टी के लिए। तो
जस्ट गाइस अभी चल रहे हैं और भैया मुझको आगे थोड़ा चलने दीजिए हल्का सा। भैया लोग देखिए लाइट जला रहे हैं और जस्ट चल रहे हैं भाई कोयले की खान में। अब इससे क्या होता है भैया? ये बिल्ड है, इसका अपना मार जाता है ऊपर कोयला ऊपर। अच्छा, इधर इससे कोयला ऊपर जाता है? हाँ, जस्ट नीचे से ऊपर जाता है। ओके, तो भाई अभी तो मैं काला होके निकलूंगा जस्ट वैसे। अब कोयले की खान में है तो काले तो होंगे। तो अभी पूरी लाइट वाइट लग चुकी है एकदम मस्त और अभी चल रहे हैं भाई। अच्छा तो ये यार गाइस अभी फिलहाल देखो एकदम अंदर आ चुके हैं हम और जो बेल्ट है ना, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं इधर, ये पूरा बेल्ट गया है ये, इससे कोयला जो है ऊपर ले जाया जाता है। और जस्ट देखो पूरा नज़ारा यहाँ से। और ये स्टार्टर है जिससे बेल्ट को ऊपर ले जाया जाता है। और यहाँ पे एक कॉल करने की सुविधा भी है जिससे कि आप अगर फंस जाएं तो कॉल कर सकते हैं ना भैया। हाँ। ओके, तो ये कितने डिजिट का नंबर होता है इसमें? चार डिजिट का। हाँ, चार डिजिट। तो चार डिजिट का नंबर होता है और जिसे आप कॉल करके बुला सकते हैं सहायता के लिए ना भाई। हाँ। तो ऐसा कुछ देखो ये पूरा सीन है भाई और ये कुछ नज़ारा रहा भाई। तो अभी फिलहाल भाई लोग यहीं तक लाके आए हैं और चलते हैं अभी ऊपर, है ना भाई। ओके, तो जहाँ तक का आदेश था भाई वहाँ तक तो अभी फिलहाल आ चुके हैं और इसके बाद भी हम लोग बाहर निकल रहे हैं यार। वैसे देखो इधर देखो पूरा हाथ उत काला हो गया, मैं काला हो गया, शादी कौन करेगा। ठीक है भाई लोग, ओके चलते हैं। तो अभी तो फाइनली गाइस अभी आ चुके हैं भाई और इतनी सोचो मतलब मेरी हार्ट बीट ना ये 200 के पार हो गई, इतना ज़्यादा यार भाई लोग। देखिए पूरा थैंक यू भाई, भाई थैंक यू भाई लोग से मिलके बढ़िया लगा, भाई लोग ने घुमा दिया। अभी देखो ना भाई पहले से और काला हो गया। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।